हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार बाइक 360। आपका स्वागत करता हूं मैं आज की इस वीडियो में। मैं हूं वीवू और आप जो है वो अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत सारी चीजें आप मिस कर रहे हो ऑटोमोबाइल की दुनिया से। देखो दोस्तों, ये है टाटा की नई ऑफरिंग तो नहीं है लेकिन नया वेरियंट ऑफरिंग है। ये है XM प्लस S वेरिएंट, जिसमें सनरूफ आया करता था पहले, एक XM वेरिएंट आया करता था, फिर उसको अपग्रेड किया, यानी कि सब डिवाइड कर दिया गया वेरिएंट को XM S में, और अब उसको एक और बार कैटेगराइज कर दिया XM S प्लस में। तो ये प्लस वेरिएंट है, ये तकरीबन XM S से 55,000 रुपए महंगा है, बट इन 55,000 रुपए में पांच ऐसी बड़ी बड़ी चीजें जो है वो इसके अंदर ऑफर कर दी गई हैं जो पहले मिसिंग थी, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले एक वॉक अराउंड पे चलते हैं। वॉक अराउंड में आपको ये XM S जैसी ही नजर आएगी, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। आपको यहाँ पे सेम रेगुलर हेडलाइट यूनिट यानी कि DRL के साथ में बड़े बाई फंक्शन लिए, तो इसका टर्न इंडिकेटर इधर ऑफर किया गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ह्यूमैनिटी लाइन पे आपको क्रोम इंसर्ट्स नजर आएंगे और यहाँ पे एरोइश फिगर, और ऑल टुगेदर मुझे काफी सही लग रहा है वेरिएंट। और दोस्तों, साइड प्रोफाइल से इट गेट्स द सेम 195 सेक्शन का टायर जो एक्चुअली इसमें ऑफर किया गया, मैकफर्सन स्ट्रट्स का यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप। यहाँ पर जो है वो आपको ब्लैक कलर का जो है वो ORVM जिसमें टर्न इंडिकेटर दिया गया है, और व्हाइट कलर की बैजिंग, ये तो आप बहुत टाइम से देख रहे हो, जो विंडो लाइन पे जो है वो नेक्सॉन के अंदर आया करती थी वो यहाँ पर भी ऑफर की गई है। नीचे अगर आप देखोगे प्लास्टिक की क्लैडिंग यहाँ पर दे दी गई है, ऊपर रूफ रेल है, ये सारी चीजें आया करती थी। चेंज क्या है उसको जरा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ अगर आप देखोगे तो शार्क फिन एंटीना दिया गया है, इसका एक मोटिव है यहाँ देने का। वो मोटिव क्या है मैं तभी बताऊंगा जब आप अंदर मेरे साथ चलेंगे वीडियो में, और आगे तक जो है वो स्क्रॉल नहीं करेंगे, वीडियो मेरे साथ साथ देखते रहो। यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो है वो व्हाइट लाइन दे दी गई है टाटा के लोगों के साथ में, नेक्सॉन की बैजिंग, और यहाँ जो है वो आपको सेंसर्स मिलते हैं, पार्किंग सेंसर्स रिफ्लेक्टर यूनिट के साथ में। शार्क फिन एंटीना इज वन सच एड ऑन, उन पांच एड ऑन में से जो मैंने आपको बोला था। सबसे पहला एड ऑन शार्क फिन एंटीना, Why is it given? Let's check out. So, दोस्तों, इंटीरियर्स में क्या बदलाव आया है? मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा बदलाव यहाँ पे इंटीरियर्स में देखने में बदलाव आया होगा, बट एक सबसे बड़ा बदलाव जो एक्चुअली इस वेरिएंट में चाहिए था वो ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब ये जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, वो हार्मन कार्डन का है ऑब्वियसली, और ये अब चार स्पीकर के साथ में आ गया है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा अपग्रेड हार्मन कार्डन का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉइड ऑटो के साथ आता है, और चार स्पीकर आ गए, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा अपडेट। पहले दो ही स्पीकर आया करते थे इसको सपोर्ट करने के लिए। अब मैंने आपको बोला था कि शार्क फिन एंटीना क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया है क्योंकि अब ये आ गया, और इसके साथ में कहीं ना कहीं वो प्रीमियम टच देना जरूरी था जो सेंटर एंटीना में नहीं मिल पाता। ठीक है जी, तीन अपडेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। चौथा अपडेट क्या है दोस्तों, वो है ये गोल्ड ग्लव बॉक्स जो एक्चुअली यहाँ पर इस बार टाटा ने ऑफर किया है। आप कभी भी चिल करना चाहते हो, दोस्तों के साथ में हो, आपको चाहिए आपकी कोल्ड ड्रिंक जो है वो ठंडी रहे, और आप इसमें जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहते हो कुछ भी ऐसी चीज़ तो ठंडी रहे या ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो उसकी लाइफ बनी रहे, तो ज़रूर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये हो गया चौथा अपडेट। पांचवा अपडेट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अगर आप पीछे वाली सीट पे मेरे साथ चलेंगे। सो दोस्तों, दिस इज दी पांचवा अपडेट जो यहाँ पर मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। ये है एसी के वेंट्स, और ये जो वेंट्स हैं वो अब आ गए हैं XM S प्लस वेरिएंट में, जो कि कमाल का अपग्रेड है। कमाल मतलब चुम्मेश्वरी अपग्रेड है इसका साथ में, और ये 55,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस आ रहा है, 9,75,000 रुपए की ये कॉस्ट कर रही है। और अगर आप छोटा वेरिएंट खरीदते हो उसका, यानी कि प्लस वाला वेरिएंट नहीं खरीदते हो, तो 9,19,000 रुपए यहाँ पे आपको कॉस्ट करेगी, जो कि मेरे ख्याल में 55,000-56,000 रुपए का अपग्रेड है। मेरे ख्याल में एक नंबर काम किया टाटा ने यहाँ पे, और इन अपग्रेड्स इन वेरिएंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो ये सारी इन वेरिएंट्स को जो सब क्लासीफाई किया है ना टाटा ने, वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया है, जो एक्चुअली बाकी मैन्युफैक्चरर्स नहीं कर पा रहे हैं। सो यस, ये था आज की वीडियो, ये था आज का अपडेट। अब हम मिलेंगे एक नई स्पेशल वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, सेफ चलें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं जब भी आप बाहर निकल रहे हैं। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ।